नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं यश शर्मा के साथ शूट करने जा रहा हूँ, एक वर्कआउट करूँगा उनके साथ पहले, एंड फिर देखते हैं कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं कि नहीं। हल्की हल्की सी मज़ेदार बारिश हो रही है, सो लेट्स किल द वर्कआउट टुडे मैन। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। आज मैं आया था द वेलनेस क्लब जनकपुरी एंड वर्कआउट सीखने आया हूँ यश भाई से। तो स्टार्ट किया हमने वार्म अप के साथ। थोड़ा ऊंचा जंप कर, सही है। वार्म अप में मैंने गिन के 3 एक्सरसाइजेस करी एंड यश भाई ने बताया था द इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म अप्स, कि अगर आपको इंजरीज अवॉइड करनी है तो वार्म अप्स इज अ मस्ट। अंदर की ओर करना है, बाहर नहीं, अंदर की ओर। लेग्स मूव अंदर की ओर, हाँ ऐसे, हाँ तेज तेज, ठीक है, टाइट टाइट, बॉडी टाइट, जंपिंग वो तूने वो कम करे, बॉक्स जंप। मैंने एक्चुअल में बॉक्स जंप्स हल्के से कम करे थे बिकॉज आई वॉज फीलिंग अ बिट टायर्ड, पर दोस्तों यही तो मैंने क्वालिटी यश भाई से सीखी है कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। उन्होंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस बात को बताया है। हाथ पहले स्ट्रेट कर, हाँ अप कर, हाँ अब पीछे जा, हाथ बैक लेके जा, नीचे नीचे नीचे, नहीं नहीं दिखा, हाँ चल पीछे, गुड, जितना नीचे जा सकता है, परफेक्ट, बढ़िया, स्ट्रेच स्ट्रेच पीछे, गुड 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 गुड, पीछे बढ़िया। यश भाई ने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मोटिवेशन दी थी जब मैं वर्कआउट कर भी रहा था, एग्जैक्ट तभी तभी वो बोलते थे कम ऑन शिवम यू कैन डू इट, जब जब मैं थोड़ा डाउन हो रहा था। ये वाली वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे यश भाई ने मेरे को टीचिंग्स दी कि प्रॉपर एक्सरसाइजेस का कैसे प्रॉपर फॉर्म रखना है। तो अगर अभी भी मेरे से कोई गलती हो बोलने में या करने में, सो इट इज़ एब्सोल्युटली माय फॉल्ट एंड नॉट यश भाई'ज फॉल्ट, सो लेट द गेम बिगिन। तो हमने वर्कआउट स्टार्ट किया रोमेनियन डेडलिफ्ट्स के साथ। तो सो द फर्स्ट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि हमें बैक का तो यूज़ करना ही नहीं है, वी डोंट हैव टू लीन फॉरवर्ड। जो हमारी रॉड होगी या डंबल्स होंगे, दोज वुड ग्रेज थ्रू द शिन्स एंड बॉडी के साथ चिपक के रहेंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज़ कि हमें अपनी लेग्स ऐसे प्लेस करनी है कि हमारी लेग से मैक्सिमम फोर्स लगे एंड बिल्कुल हाईएस्ट जंप कर सके जहाँ से, वैसी वाली लेग पोजीशन हमें रखनी है व्हाइल डूइंग द रोमेनियन डेडलिफ्ट्स। द थर्ड पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि हमें सामने देखना है एंड वी हैव टू कीप आर चेस्ट आउट, वी हैव टू कीप आर चेस्ट फॉरवर्ड एंड नॉट यूज आर बैक। सो द फोर्थ पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि आप एक नीचे बेंच रख सकते हैं, उससे ही आप डायरेक्ट उठाएं एंड उस पर ही आप डायरेक्ट रखें, और यूज़ द मशीन जहाँ पर आप स्क्वाट्स करते हैं, सो वहाँ पर उसको बिल्कुल नीचे करके फिर रोमेनियन डेडलिफ्ट्स करें। एंड जैसे अभी अभी आपने देखा, फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमें लैट्स को अपने बिल्कुल कॉम्पैक्ट रखना है, जैसे यश भाई ने अभी इंडिकेट किया था, बिल्कुल लैट्स को कॉम्पैक्ट करके रखना है हमें। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल। हमें बैठने की मूवमेंट नहीं करनी,
वी हैव टू इमेजिन कि पीछे एक बॉक्स पड़ा है एंड वी हैव टू पुश इट बाय आवर ग्लूट्स। तो आप देख रहे हैं कि एक मैं पहले बहुत ये गलती कर रहा था कि मैं नीचे बैठ रहा था, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, पर आई थिंक यश भाई ने मेरे को कहा था कि अगर आप पीछे पुशिंग वाली एक्ट करेंगे सो वी कैन लिफ्ट मोर वेट्स इन द फ्यूचर, सो वी हैव टू कीप आवर बेसिक्स राइट एंड पीछे की तरफ पुश करना है एंड वी हैव टू गो डाउन धीरे धीरे। तो जो भी सारे पॉइंट्स बताए यश भाई ने, आई डिड ट्राई टू इम्प्लीमेंट, पर इट इज़ अ गिवन कि यार फर्स्ट टाइम है, वी कांट बी परफेक्ट, इट टेक्स मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू गेट इट राइट। तो धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। द सेवन्थ पॉइंट इज़ कि जो आपकी ग्रिप होगी वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए लेफ्ट एंड राइट, ना ही ज़्यादा वाइड ना ही ज़्यादा नैरो, एंड दोनों ग्रिप सेम साइड भी हो सकती हैं एंड एक आगे एक पीछे भी हो सकती है, दैट इज़ योर चॉइस। द एट्थ पॉइंट इज़ कि आपने देखा होगा कि मैंने अपना वर्कआउट विदाउट शूज़ स्टार्ट कर दिया था, तो आप भी विदाउट शूज़ करिए बिकॉज आपको मैक्सिमम फोर्स जनरेट करना है। द नाइन्थ पॉइंट इज़ कि जब हम नीचे होते हैं एंड ऊपर आ रहे होते हैं, वी हैव टू कम बाय अ फोर्स एंड वी हैव टू कीप आर ग्लूट्स टाइट, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा आगे भी लीन फॉरवर्ड करना है यूजिंग आर लोअर लेग्स, देखिए बिल्कुल ग्लूट्स टाइट रखने हैं फिर। एंड द टेंथ पॉइंट इज़ वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। आप देख रहे होगे स्टार्टिंग ऑफ द वर्कआउट एंड एंड ऑफ द वर्कआउट में कितना डिफरेंस है, पहले प्रॉपर बॉडी लीन ही नहीं कर रही थी मेरी, अब पीछे पुश भी कर रही है, ग्लूट्स आगे भी आ रहे हैं। There are still many things to improve upon, but I think my progress during the 1 hour was amazing. तो ऐसे ही आप भी प्रोग्रेस करते रहिए, ये 10 पॉइंट्स दिमाग में रखना, खुद रिसर्च करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अ बिग थैंक्स टू यश भाई फॉर कमिंग ऑन द चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड लेट्स कीप विनिंग।